यूक्रेन युद्ध और ओपेक प्लस देशों के लीडर्स सऊदी अरब और रशिया की मनमानी के कारण जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, उसके कारण भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। यूक्रेन युद्ध की कीमत न सिर्फ यूक्रेन और यूरोपियन देशों को चुकानी पड़ रही है, बल्कि भारत के ऊपर भी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत की करेंसी इंडियन रुपीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले एक यूएस डॉलर की वैल्यू 74 इंडियन रुपीज के बराबर थी, जबकि पिछले 7 महीनों में ये 74 से सीधा 81 रुपीज तक पहुंच गई है। आज सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त एक यूएस डॉलर की वैल्यू 81.64 इंडियन रुपीज के बराबर थी और आने वाले हफ्ते में ये 82 के पार जाते दिखाई दे रहा है। सेम ये स्टोरी देश के फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भी है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का सबसे हाईएस्ट आंकड़ा 642 बिलियन डॉलर्स तक रह चुका है, जो भारत ने पिछले साल 3 सितंबर को टच किया था। 642 बिलियन डॉलर्स हमारा ऑल टाइम हाई आंकड़ा था। पिछले साल ऐसा लग रहा था कि भारत साल 2025 से पहले ही 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा छू लेगा, क्योंकि साल 2014 में सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। 2014 के अप्रैल महीने में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 304 बिलियन डॉलर्स के करीब थे, जो कि 2021 के सितंबर महीने में डबल से भी ज्यादा 642 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे, यानी 7 सालों में 338 बिलियन डॉलर्स की वृद्धि हुई थी। लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में जो वोलेटिलिटी आई है, तब से भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 32 वीक्स पूरे हो चुके हैं और पिछले 32 वीक्स में 26 टाइम्स हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे गिरे हैं। 32 में से मात्र 6 वीक्स में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़े थे और इस हफ्ते भी सेम यही स्टोरी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है और इस हफ्ते फिर से भारत को बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में इस हफ्ते पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट डेटा रिलीज किया था, जिसके मुताबिक पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 8.13 बिलियन डॉलर्स की गिरावट देखने को मिली है। 8.13 बिलियन डॉलर्स को अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए के आसपास बनते हैं। इस गिरावट के बाद अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 23 सितंबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 8.13 बिलियन डॉलर्स नीचे गिरकर 537 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट आंकड़ा 537 बिलियन डॉलर्स है। पिछले 8 हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार गिरावट ही देखने को मिली है और जिस स्पीड से ये नीचे आ रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि अगर रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी नहीं आई, तो इस साल के अंत तक हम 500 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 630 बिलियन डॉलर्स थे और आज 7 महीनों के बाद ये 537 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, यानी 93 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई है। यहां पर आपको ये भी बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने ये भी बताया था कि भारत की करेंसी इंडियन रुपीज में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीज यूएस डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक लो के ऊपर पहुंच गया है, उसी सिचुएशन से डील करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स में यूएस डॉलर की करेंसी पड़ी है, उसको मार्केट में रिलीज किया जा रहा है। हम रुपीज को बचाने के लिए यूएस डॉलर को रिलीज कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार नीचे गिर रहे हैं।